कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु चरणों से लिपट रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना। अब बताओ जिन्हें कुछ लेना है और जिन्हें कुछ देना है क्या वो मगन रह सकते हैं? मगन कौन रह सकता है? कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु हमें कोई जरूरत ही नहीं है किसी की, है ना मेरी माँ? जरूरत है तो पीछे लगो आगे लगो। कछु लेना ना देना मगन रहना, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया है और नाव केवटिया से मिले रहना। क्या मतलब है सलाइन का जरा बताओ। गहरी नदिया नाव पुरानी, इसका क्या मतलब है? आ मैया बताओ, गहरी नदिया मतलब क्या और नाव पुरानी का मतलब क्या? नहीं मतलब भजन सुनने का क्या मतलब आपको तो पता ही नहीं मतलब। मैया बताओ मेरी माँ। गहरी नदिया नाव पुरानी, आप बताओ इसका क्या मतलब? गहरी नदिया नाव पुरानी, इसका मतलब बताओ। कबीर, ये भजन कबीर दास जी का है तो कबीर दास जी ने लिखा है तो कोई अर्थ तो होगा ना। तो मैया बताओ गहरी नदिया क्या है और नाव पुरानी क्या, ये बताओ। सुनो, संसार है एक नदिया, संसार है एक, अब बोलो तो सही। मैया जा रही हो मेरी माँ, तो जा रही हो तो जाते जाते ये तो बता जा, ये गहरी नदिया और नाव पुरानी क्या है? भैया बैठो, चुपचाप बैठो आनंद से। सुनो, गहरी नदिया का मतलब है संसार बहुत गहरा है, संसार एक नदिया है और शरीर एक नौका है। शरीर क्या है हमारा? जोर से, शरीर है नौका और नौका हो गई है पुरानी, बुढ़ापा आ गया मतलब पुरानी नाव। तो गहरी नदिया नाव पुरानी, संसार बहुत गहरा है, कौन सी भंवर में डूब जाओ आप, शरीर बहुत पुराना हो गया, जर्जर नाव पुरानी, इसलिए केवटिया से मिले रहना। ये केवट कौन है? जोर से, क्या है? केवट से मिले रहोगे ना तो केवट बचा लेगा, डूबने नहीं देगी, भंवर में फंस भी गए तो वो जानकार है, इसलिए केवटिया से मिले रहना। किससे मिले रहना? इसलिए आप लोग ना भगवान से मिले रहो, लोग नहीं बोलते वो तो फलाने उनसे मिले हैं, है ना, वो फलाने नेता तो फलाने से मिले हैं, वो फलाना तो उनसे भी मिला, तो आप किससे मिले रहोगे? केवटिया से मिले रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना। तो मगन कौन रह सकता है जैसे कोई लेना देना, हमें आपसे कुछ लेना हो तो हमें आपके आगे पीछे डोलना पड़ेगा, हमें आपसे कुछ लेने ही नहीं, तो आनंद सुख कौन कौन चाहता है, आनंद कौन कौन चाहता है? आज से सुख की कामना नहीं करना, किसकी? आनंद की। आनंद में वही रह सकता है जैसे कछु लेना ना, और जैसे कुछ लेना देना है वो सुख दुख में उलझा रहेगा। लेना देना मतलब सुख दुख, और लेना और ना देना, ना लेना एक ना देना दो, गांव में बोलते ना हमारा तो, ना लेना एक ना देना दो। तो कछु लेना ना देना मगन रहना, तेरा राम तेरे ही अंदर,
अंदर मेरा राम जो मेरे ही अंदर, अब तो देख खोल नैना, अब तो देख सखी अब तो खोल नैना, अब तो देख सखी अब तो खोल नैना, कछु लेना ना देना मगन रहना। हमारे राम हमारे अंदर, बाहर क्या ढूंढना है। आंख बंद करो, अपने भीतर मन मंदिर में उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तेरा राम तेरे ही अंदर, मेरा राम मेरे ही अंदर, अब तो देख सखी अब तो खोल नैना, नैनन के पट खोल तोए पिया मिलेंगे।